और चलिए देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 25 मई से शुरू हो सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन। देहरादून से दिल्ली के लिए ये संचालन शुरू हो सकता है। पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, देहरादून से दिल्ली के बीच यहाँ पर संचालन शुरू हो सकता है। 25 मई से इसकी शुरुआत हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका लंबे समय से इंतजार था, उसका संचालन जल्द ही शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रवि, देहरादून दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन जल्द ही शुरू हो सकता है? बिल्कुल आशा, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसमें यही है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका संचालन देहरादून से दिल्ली के लिए जल्द शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये 18वीं वंदे भारत ट्रेन होगी जो देश में। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीते रोज ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया गया है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पूरा स्टेशन का निरीक्षण किया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 25 मई को प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका शुभारंभ कर सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। और यहाँ से जो दिल्ली का सफर है हाई ट्रेन है तो 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इसको इसके लिए अब पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। और इस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि ये जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअली इसका शुभारंभ, के जो अफसर लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं उत्तरी रेलवे के, वो यही वजह है कि वो यहाँ पर पूरा निरीक्षण कर रहे हैं किस तरीके से इसका संचालन होना है। ऑलरेडी जो ट्रेनें चल रही हैं उसके बीच में कौन सा समय तय किया जाएगा, ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं, जिसके बाद ये जो है बहुत जल्द स्पष्ट भी होने वाली है। बिल्कुल रवि, अगर ऐसा होता है तो सहूलियत भी मिलेगी, साथ ही साथ बड़ी सौगात। बहुत शुक्रिया। और उत्तराखंड में अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सरकारी और वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। प्रदेश भर में तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई हुई। आज भी कई जगहों पर कार्रवाई होनी है और ऐसे में 91 हेक्टेयर से अधिक जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई जाएगी। आपको बता दें कि कई दिनों से धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई हुई है। सरकारी और वन भूमि को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, तो बुलडोजर एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। 91 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अभी तक अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो अवैध कब्जा है उसको हटाने के लिए यहां पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। हमने पहले भी कई बार देखा, कई तस्वीरें हमारे सामने आई थी। और ऐसे में लगातार प्रदेश भर में अभी तक तकरीबन 400 अवैध स्थलों पर यह कार्रवाई की जा चुकी है। सरकारी और वन भूमि की जितनी भी जमीन थी उसे अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।